हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी ने काटा सुमैया का टिकट, कांग्रेस बोली शिवसेना के भ्रष्टाचार का उजागर करने की मिली सजा। लालकृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के बाद बीजेपी ने पार्टी के एक और बड़े नेता किरीट सुमैया का टिकट काट दिया है। टिकट कटने के बाद बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट से भाजपा के मौजूदा सांसद किरीट सुमैया की जगह मुंबई के कॉर्पोरेटर मनोज कोटक को मैदान में उतारा है। शिवसेना भी कर रही थी विरोध। किरीट सुमैया के टिकट का विरोध बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी किया था। सूत्रों के अनुसार किरीट सुमैया के खिलाफ पार्टी के भीतर भी आवाजें उठी थी, जिसके बाद अंदरूनी कलह को शांत करने के लिए बीजेपी ने युवा चेहरे मनोज कोटक को मैदान में उतारा गया। 65 साल के किरीट सुमैया मुंबई नॉर्थ ईस्ट से दो बार के सांसद हैं। इससे पहले बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का कानपुर से टिकट काट उनकी जगह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरी को टिकट दिया था। वहीं गांधीनगर से लालकृष्ण अडवाणी का टिकट काट बीजेपी ने अध्यक्ष अमित शाह को मैदान में उतारा है। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, किरीट सुमैया की टिकट कट गई, उसने मातोश्री का भ्रष्टाचार उजागर किया था, इसकी सजा उसे मिली। भ्रष्टाचार मिटाने का जो संकल्प बीजेपी ने लिया था उसका क्या हुआ? भ्रष्टाचार के जो आरोप किरीट ने लगाए थे क्या उसकी सीबीआई जांच होगी या मिस्टर 56 ने घुटने टेक दिए हैं? आज के लिए इतना ही। आशा करती है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल यानी माइंड द न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से ऐसे ही कई सारे सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुक्रिया।